भक्तों जय श्री राम। आपका हमारे प्रभु दर्शन करे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जितने त्योहार होते हैं उतने ही रीति रिवाज होते हैं जिनके पीछे का उद्देश्य अक्सर हम और आप नहीं जान पाते हैं। ठीक इसी तरह नवरात्र में भी जब कलश के सामने मिट्टी के पात्र में घर और गेहूं जो बोया जाता है उसके बाद उसकी पूजा की जाती है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि हम में से आप कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये नहीं पता कि नवरात्र के वक्त आखिरकार जो क्यों बोया जाता है। अगर आप हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें भी ज्ञान भी समाहित है। जी हाँ दोस्तों, जो पूजा के दौरान तिलक हम अपने माथे पर लगाते हैं उसके पीछे का भी एक वैज्ञानिक फायदा है। ठीक इसी तरह जब हम जो बोते हैं उसके भी फायदे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि माँ के पूजन विधि में आखिरकार हम जो क्यों बोते हैं। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा की उपासना का खास महत्व है। माँ दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इतना ही नहीं, माँ दुर्गा की पूजा में इस्तेमाल होने वाले हर एक सामान का धार्मिक महत्व है। माँ दुर्गा सिर्फ वर्तमान ही नहीं संभाल रही होती है, माँ दुर्गा अपने भक्तों का भविष्य भी संवारती है। नवरात्र में केवल जो बोने का महत्व नहीं है बल्कि यह भी देखा जाता है कि कैसे वह विकास कर रहा है। दरअसल जौ इस पृथ्वी का प्रथम फसल है। इतना ही नहीं, जौ एक संपूर्ण फसल भी है, तभी तो पूजा में भी जौ का इस्तेमाल किया जाता है। भारत खुद एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। हिंदू धर्म में फसलों को पूजा जाता है, साथ ही जौ बोने का मुख्य कारण ही अन्न ब्रह्म है। इसलिए हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। इस सम्मान के लिए माँ दुर्गा के कलश के साथ जौ को बोया जाता है। शक्ति भोजन के माध्यम से ही मिलता है और भोजन के लिए हमें फसलों पर निर्भर होना पड़ता है। इसलिए ही जौ को कलश की मिट्टी के साथ बोया जाता है और हर दिन जल भी दिया जाता है। जौ के घटने और उसके बढ़ने और उसके रंग का भी अपना प्रभाव है। आखिर क्यों कहा जाता है कि कलश स्थापना के वक्त उगते हुए जौ भक्तों के भविष्य को निश्चित करते हैं। बोए हुए जौ का जो रंग होता है वह इंसान की आय और उसके विकास का संकेत होता है। आखिर क्यों कहा जाता है कि जौ की जो फसल होती है वो इंसान के आने वाले कल को बता देती है। ये तमाम सवाल है जिसके जवाब आपको मिलेंगे। यदि जौ तेजी से फल फूले तो आप खुशनसीब हैं और सुख समृद्धि से भरी एक फलती फूलती जिंदगी जिएंगे। अगर जौ का रंग हल्का हो जाए तो यह घर की खुशहाली का प्रतीक होता है। यदि जौ मुरझा जाए या इसका विकास ठीक तरीके से नहीं हो पाए तो ऐसा होना भविष्य में किसी अनहोनी होने का इशारा समझाएगा। अगर जयंती अपने मूल रंग के विपरीत लाल रंग की हो जाए तो यह समझे कि आपके ऊपर किसी रोग या दुश्मन का आक्रमण हो सकता है। सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर जयंती का कलर नीचे से पीला और ऊपर से हरा दिखाई पड़े तो वर्ष की शुरुआत अच्छी नहीं होती है। पर अगर इसी जयंती का रंग ठीक विपरीत हो जाए, यानी कि जयंती नीचे से हरी और ऊपर से पीली हो, तो समझे कि वर्ष की शुरुआत तो अच्छी रहेगी पर अंत कुछ कष्टकारी हो सकता है। आम धारणा के मुताबिक यदि आपकी जयंती पुष्ट हरे और सफेद रंग की निकलती है तो आपका समूचा वर्ष अच्छा बीतने वाला है। नवरात्र के बीत जाने के बाद इस ज्वारे को अपने अन्न भंडार में सहेज कर रख दें तो नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 रूपों को पूजा जाता है। अलग अलग तरीके से उसकी आराधना की जाती है और उन्हें अलग अलग प्रसाद भी चढ़ता है। लेकिन इन 9 दिनों में जो समान बात होती है वो होती है घट स्थापना और कलश स्थापना। तो आपको माँ दुर्गा की ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके।